मध्य प्रदेश के खरगोन में लुटेरी दुल्हन ने राजस्थान के दिव्यांग युवक के साथ ब्याह रचाया और फिल्मी स्टाइल में तथा कथित जीजा के साथ मिलकर लगभग 2.5 लाख की ठगी को अंजाम दिया। खरगोन जिले के भगवानपुरा निवासी 25 वर्षीय युवती सुनीता और उसके तथाकथित जीजा इकराम ने मिलकर राजस्थान के दिव्यांग युवक विष्णु पाटीदार से शादी का जाल बिछाया। दोनों ने राजस्थान के दलाल सुनील मीणा से संपर्क कर शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपये की ठगी की। ये शादी खरगोन में संतोषी माता मंदिर में हुई थी, जहाँ रुपये लेने के बाद युवती और उसके रिश्तेदारों ने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला निवासी विष्णु पाटीदार से मारपीट कर उसे भगा दिया। इसका भांडाफोड़ करते हुए राजस्थान और खरगोन पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसके तथाकथित जीजा और दलाल को गिरफ्तार किया है। दोनों को राजस्थान पुलिस के सुपुर्द किया गया है। आरोपियों के आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। दिव्यांग विष्णु दीदार ने बताया कि जब वो दुल्हन को लेकर गाड़ी से वापस राजस्थान के लिए रवाना हुए थे, खरगोन से खलघाट पहुंचे थे कि रास्ते में सुनीता की मौसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं। तब सुनीता ने लोकेशन बता दी थी। लोकेशन मिलने के करीब आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी मानपुर के पास पहुंची। उसी दौरान एक सफ़ेद कार हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसमें 3 लोग उतरे और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और युवती को अपनी गाड़ी में बिठाकर भाग गए थे। खरगोन से अजीत तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला है? शादी के लिए धोखाधड़ी का मामला है सर। मैं प्रतापगढ़ जिले का हूँ, प्रतापपुरा गाँव का। वहाँ हमारा संपर्क है, गाँव के पास गादोला गाँव है, वहाँ एक लेडीज है, उनका संपर्क है यहाँ बांसवाड़ा वाले से। बांसवाड़ा वाले सुनील का नाम है उसका, और उसने हमारी शादी की बात की यहाँ गांव में आके। एक दो बार वो हमारे घर भी आए और उन्होंने देखा भी हमारा घर। कितने बात करी थी? उसके बाद हमारा पेमेंट उन्होंने पहले मैंने 1.5 की बोला, 1.5 दे दूंगा मैं, ऐसा करके करके वो सर 270 तक ले आए। तो हाँ, शादी करा दी फिर रुको सर मैं बात समझ। उसके बाद उन्होंने हमें खरगोन बुलाया, हम वहाँ से निकले और खरगोन आए यहाँ विक्रम भाई के घर। विक्रम जो यहाँ का एजेंट है, उन्होंने उसकी मौसी के यहाँ सुनीता नाम की लड़की रहती थी उसको बताया। उन्होंने लड़की बताई, ये लड़की उससे मुझे पसंद आएगा, उससे भी पसंद आएगा ऐसा। और वो साथ में उसी दिन हमारे साथ हमारे गांव आ गए देखने के लिए, और उसके दूसरे दिन ही हमारी मंगनी हो गई वहाँ पर ही हो गई। शादी कहाँ हुई? शादी तो यहीं हुई, वहाँ मंगनी हुई सर, गांव में आए थे। मंगनी होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने 12 दिन का टाइम दिया कि होली बाद आपको बुलाएंगे। उसके बाद हम 22 मार्च को हम यहाँ आए। हाँ, उसके बाद हम संतोषी माता मंदिर ले गए यहाँ पे गांव में, 7-8 किलोमीटर है। फिर वहाँ पे हमारी शादी करवाई, फूलमाला पहना के, और वहाँ पे रकम भी पहना थी सर हमने। कितने रुपए की रकम? रकम 40-50 हज़ार। फिर शादी करने के बाद गाड़ी में ले जा रहे थे तो क्या रास्ते में रोक के वापस उतार लिया? उसके बाद हमने पेमेंट देने की बात की, मैंने कहा पेमेंट तभी मिलेगा जब आप कोर्ट मैरिज करवा दो। उन्होंने बहला फुसला के 8-10 दिन का समय मांगा कि हम लड़की को लेने आएंगे वहाँ पे प्रतापपुरा, तो वहीं पर आपकी कोर्ट मैरिज करवा देंगे। ऐसा करके उन्होंने पेमेंट हमसे ले लिया और हम यहाँ से निकल गए। तो लड़की साथ गई थी? हाँ, लड़की साथ ले गए, लड़की साथ ले गए। हम 100-150 किलोमीटर गए थे। फिर रास्ते में लड़की मौसी का फ़ोन आया कि आप कहाँ तक पहुँचे, उसने लोकेशन बता दिया कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद हम आधा पौन घंटा ही चले होंगे गाड़ी से, 3 लड़के आए सफ़ेद कार ले, उन्होंने गाड़ी आगे लगा दी और डरा धमका के लड़की उठा ले गए। फिर आपने रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई? रिपोर्ट नहीं दर्ज, हमने प्रतापगढ़ केस किया वहाँ करें। कितना पूरे कुल राशि? कितने? 2.5 लाख रुपये दे चुके हैं। हाँ, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपये दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, आपके साथ कितने दिन रही है? कुछ रही वही कुछ नहीं, रास्ते में थे सर। रास्ते में ही कई लोग हैं, रास्ते में से उठा लिए। कितने लोग आए थे? 6-7 जने। ठीक, क्या नाम आते हो? हम तो पेमेंट चाहते। क्या नाम? क्या? विष्णुलाल पाटीदार। ठीक, कहाँ रहते? प्रतापगढ़ जिले का प्रतापपुरा गाँव में। राजस्थान पुलिस भी सर यहाँ पहुँची। खरगोन राजस्थान पुलिस आई थी, जिन्होंने इतला दी कि एक लड़की यहाँ की आदिवासी समाज की बच्ची है, उन लोगों ने राजस्थान के एक लड़के से 2.5 लाख में सौदा किया शादी के लिए, उसमें कुछ दलाल भी शामिल हो गए। और इन लोगों ने यहाँ आके, पास में मंदिर है संतोषी माता का, वहाँ नाम मात्र को शादी वादी करके वो पैसे और रकम इन लोगों से ले ली, ऐसा उस परिवार का कहना है। वो लोग भी आए हुए हैं राजस्थान से, राजस्थान पुलिस ने बताया। और उसके बाद वो लड़की उनके चंगुल से भग के एक फर्जी शादी का नाटक करके और पैसे वैसे लेके लोग गायब हो गए।
राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में 420 के तहत पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। तो ये लोग अनुसंधान के लिए आए थे, इनकी मदद की गई है और वो लड़की और वो जो तथाकथित जो बीच में इसके साथ शामिल लोग थे उनको पुलिस को राजस्थान पुलिस को हैंड ओवर किया है। क्या कहानी क्या सर? कहानी ये जो लड़की है सुनीता नाम की, ये 3-4 साल पहले से अपने पति को छोड़ के अपनी बहन के पास रह रही थी और राजस्थान के किसी लड़के ने जिस बहन के पास ये रह रही थी, सोनू नाम है इसकी बहन का, उसने इकराम नाम के आदमी जो उसका पति तथाकथित अभी आजकल है उसके साथ मिलकर उस लड़के ने इस लड़की के लिए बात की और इनको फर्जी टाइप से फंसा लिया। तो इससे पहले भी सर ये महिलाएं अभी तक कितने ऐसा किए? अभी इस मामले में जांच कर रहे हैं कि इनका कोई और इस तरह का कोई प्रकरण तो नहीं है कि इन्होंने किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे ठग लिए, उसकी जांच की जा रही है। कितनी राशि ठगी? ये 2.5 लाख लेन देन का मामला है। शादी करके सर ये भाग जाते थे पैसे लेकर? ये इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ है कि इन्होंने शादी करके वो फिल्म जैसी थीम पर काम किया और उसको बेवकूफ़ बना के पैसे ठग लिए और उसको चलता कर दिया यहाँ से। सर राशि जब कोई क्या राशि के लिए अभी राजस्थान पुलिस को हैंड ओवर किया है केस, वो बातचीत कर रहा हूँ। फरियादी कौन है सर? फरियादी इसमें विष्णु पाटीदार है, प्रतापपुरा हनौतिया राजस्थान का रहने वाला है। सर इसको घटना का पता कैसे लगा? इन्वेस्टिगेशन किया उसको, राजस्थान पुलिस ने मदद मांगी थी तो उनके साथ अनुसंधान किया था इस मैटर को। मतलब दो राज्यों की पुलिस इस घटना में जुड़ी हुई है? हमने उन्होंने हमको ये प्रकरण की जानकारी दी थी और चूंकि यहाँ का लोकल का मामला था तो बाहर की पुलिस के सपोर्ट में हम लोग खड़े हुए। पहले भी इस तरह के मामले लिप्त रहे? उसकी जानकारी ली जा